तुम्हारे दिलों में जंग पड़ना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा दिल जंग आलूद हो जाएगा, दिलों में जंग लगना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे धब्बे पड़ने लगेंगे वैसे वैसे वो जंग आलूद होता जाएगा, और जब बहुत ज्यादा जंग आलूद हो गया तो उस दिल से अब कोई काम चलने वाला नहीं है। मैं जरा एक छोटी सी मिसाल देता हूं, जंग आलूद वो तो बेकार हो गया। आज बरसात का मौसम है, हमारे घरों में लोहे के दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, बहुत ज्यादा पानी में अगर लोहा का सामान रख दीजिए आप तो वो जंग आलूद हो जाता है, और देखते ही देखते वो लोहा बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन जब आप उसकी छटाई करते हैं कौन काम में आने वाला है कौन बेकार हो गया, तो कुछ जंग आलूद लोहा ऐसा भी होता है आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो काम में आ सकता है, तो उसको आप छाट करके अलग कर लेते हैं, उस पर थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं। बाजार से एक पेपर ऐसा मिलता है जिसको लोहे के जंग लगे हुए पर अगर घिसाई करते हैं रगड़ते हैं तो वो जंग बहुत तरह से छूट जाता है, बहुत हद तक साफ हो जाता है, जंग खत्म हो जाता है। और जब वो जंग खत्म हो गया छूट गया, असली लोहा तक आप पहुंच गए, तो उसके ऊपर फौरन आपको एक कलर नहीं चढ़ाते हैं बल्कि एक पानी का प्राइमर जैसा केमिकल आता है वो प्राइमर उसके ऊपर आप चढ़ाते हैं, और प्राइमर चढ़ाने के बाद आप कोई कलर उसके ऊपर चढ़ाइए तो वो लोहा आपका फिट हो गया, 8-10 साल उससे आप काम ले सकते हैं, कहीं भी आप फिट कर दीजिए, किसी भी काम में उसको लगा दीजिए। तो पहले आप जंग छोड़ाते हैं, फिर प्राइमर मारते हैं, फिर कलर चढ़ाते हैं, वो आपके काम में आ जाता है। मोमिन का दिल तो बड़ा साफ रहता है, कोई जंग लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, लेकिन इंसान बहरहाल इंसान है, मेरे बंदे हैं, शैतान उसके पीछे लगा हुआ है। कभी कभी वो शैतान के झांसे में आ जाता है और उससे गुनाह का काम हो जाता है और उसका दिल जंग आलूद हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इंसान को बेकार नहीं छोड़ा है, उसके दिल को बेकार नहीं छोड़ा है, बल्कि उसका भी इलाज बताया है कि जंग आलूद दिल भी अगर तुम दुरुस्त करना चाहते हो तो तुम्हारा दिल दुरुस्त भी हो सकता है। और उसका तरीका इमाम कायनात फख्र मौजूदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या बताया बोलो, मैंने क्या कहा तर्जमा, इज़ा अज़नबा ज़म्मन, जब कोई गुनाह कर लेता है मोमिन उसके ऊपर सियाह धब्बा पड़ जाता है, अगर एक पड़ गया उसको धो दिया दिल साफ हो गया, और धब्बा पड़ा साफ नहीं किया और धब्बे पर धब्बे धब्बे पर धब्बे लगाते चले गए तो वो जंग आलूद हो गया। अब उसको साफ करने के लिए इमाम कायनात आपको तरीका बता रहे क्या करना होगा। वो जो पेपर आता है मार्केट में लोहा पर घिसाई करने से जंग छूटता है, तुम्हारे दिल को साफ करने के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेपर दिया है, वो क्या दिया बोलो, बार बार तौबा करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह मैंने बहुत सारे गुनाह का काम कर लिया, मुझसे ये भी गुनाह हो गया, ये भी गुनाह हो गया, ये भी गुनाह हो गया, पूरा समाज में मैं बदनाम हूँ, माँ बाप के नजर में मैं गिरा हुआ हूँ, सास ससुर की नजर में मैं गिरा हुआ हूँ, पूरे समाज में मैं गिरा हुआ हूँ, लेकिन अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैं रात को उठ करके रो रहा हूँ, अल्लाह आइंदा कभी और ऐसा काम नहीं करूंगा, जो मुझसे हो गया हो गया, अल्लाह तू मेरी तौबा कबूल कर ले। ये तौबा से अगर तुम दिल की घिसाई करते हो उसको रगड़ते हो तो तुम्हारे दिल के उस जंग को अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ कर देगा तौबा से। माफी मांगो अल्लाह से, तौबा करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से,
और आपको ये एहसास हो गया कि आप गुनाह का काम मुझे गुनाह की तरह दिख रहा है, मेरी नजर में बहुत बुरा दिख रहा है, उसकी तरफ देखना, गुनाह की काम की और चीज की बातें करना अब मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा है, तो आप समझ लो कि आपकी तौबा कबूल हो चुकी है, आपकी तौबा कबूल हो चुकी है। अब उसके ऊपर आप प्राइमर चढ़ाओ। क्या प्राइमर लगाओगे? दिल में तौबा के जरिए से, इस्तिग़फ़ार के जरिए से आपने जंग आलू दिल को साफ कर लिया। अब प्राइमर चढ़ाओ उसमें, और वो प्राइमर मार्केट से किसी डब्बा में बंद करके खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी आंखों में वो प्राइमर तैयार कर रखा है पहले से। अब तुम खूब रो, खूब रो, गुनाहों को याद करके, अल्लाह के अजाब को याद करके, अपनी जिल्लत और रुसवाई से बच करके, अब इज्जत की तरफ आप बढ़ोगे उसको याद करके। इतना रोवो, इतना रोवो कि आपकी आंखों से अगर आंसू के चंद कतरे निकल गए तो यही तुम्हारे दिल पर प्राइमर का काम करेगा, तुम्हारा गुनाह धो देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दो कतरे बहुत पसंद है, आप लोगों ने सुना होगा। एक वो कतरा जो अल्लाह के डर से आप रोए और आपकी आंख से आंसू का कतरा निकल जाए, ये कतरा अल्लाह को बहुत पसंद है। और दूसरा वो कतरा अल्लाह की राह में आप जिहाद करने के लिए जाए और दुश्मन की तरफ से कोई वार हो जाए, आप जख्मी हो जाए और उससे खून का कोई कतरा निकल आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो कतरा भी बहुत पसंद है। ये दो कतरे अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। तो मेरे भाइयों, जिसने बहुत सारे गुनाह का काम कर लिया है, जो देख रहा है कि मैं अब मुअज्जज़ बंदा नहीं बन सकता हूं, मैं अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता हूं, मैं जन्नत का मुस्तहिक अपने आप को नहीं देख पा रहा हूं, मैं तो खुद को जहन्नमी समझ रहा हूं, ऐसे बंदा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मायूस होने से मना फरमाया और कहा, मेरी रहमत बहुत कुशादा है, मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मायूस मत होना, तुम तौबा करो, मुझसे माफी मांगो और आंसू बहा करके अपने जंगालू दिल को साफ करो और उसके ऊपर नमाज का कलर चढ़ाना शुरू कर दो, रोजे का कलर चढ़ाना शुरू कर दो, जकात सदका खैरात का कलर चढ़ाना शुरू कर दो, हज उम्रा का कलर चढ़ाना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा दोबारा और वो दिल अल्लाह तबारक व ताला को फिर काम आ जाएगा और इस तरह से तुम कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कल्ला बल रहना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सबून, बहुत से दिल ऐसे होते हैं जो अपने करतूत से, अपने कारनामे से, अपनी बदआमालियों से, अपनी मासियतों से, अपनी हरामकारियों से, अपनी हराम गिजाओं के जरिए से उस दिल को जंग आलूद कर लेता है, लेकिन कभी अगर उसको एहसास हो गया तो इस तरह से उसको साफ कर सकता है। तो मेरे भाइयों, देखिए ये तीसरी हदीस की तरफ मैंने आपको रहनुमाई की है कि ये हदीस, मोमिन जब कभी कोई गुनाह कर लेता है तो उसका दिल बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, लेकिन वही दिल अगर तौबा से मामूर हो जाए तो फिर अल्लाह को बड़ा प्यारा हो जाता है। ये तीसरी हदीस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अहमियत के हामिल है, बड़ी कीमती है। वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें अहमियत के हामिल है, लेकिन ये तीन हदीसें जो आपको बतलाई गई है आपकी जिंदगी को तन्हाई में, सफर में, हजर में, तिजारत में, इबादत में, हर जगह आपके बैलेंस को ठीक रखने वाले हैं। नियत से मुतालिक, दिल की साफ सफाई से मुतालिक और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों से आपको बेहतरीन गाइड करने वाली ये तीन हदीसें। अगर बंदा इन तीन हदीसों को ख़ास तौर से अपने दिल में, अपने कलेजा में, अपने जिगर में, अपने जहन में बैठा ले, इंशाअल्लाह उस बंदा से कभी हरामकारी नहीं होगी, उस बंदा से कभी बदकारी नहीं होगी, उस बंदा से कभी हरामखोरी नहीं होगी, उस बंदा से कभी जनाकारी नहीं होगी, उस
बंदा से कभी शराब नोशी नहीं होगी, उस बंदा से कभी नमाज नहीं छूटेगा, उस बंदा से कभी और भी बड़े बड़े गलत काम नहीं हो सकते हैं। इन तीन